गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। सो आज है संडे, हम लोग सोए हुए थे और उमर के फ्रेंड की कॉल आई फॉर द ब्रेकफास्ट। तो हम लोग गए तहजीब पे जाकर हम लोगों ने देसी अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, हलवा, पूरी, चने, निहारी, लस्सी, ये सब कुछ हमने इंजॉय किया। बहुत मज़े का ब्रेकफास्ट था इनका। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहीं खाते हलवा पूरी वगैरह, उनको पसंद नहीं है, तो उन्होंने अपने लिए ऑमलेट और पराठा ऑर्डर किया था। सो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, बहुत मज़े का था, थैंक यू सो मच। और उसके बाद हमारा था आज का प्लान आइकिया जाने का। आइकिया आपको पता ही होगा, बहुत बड़ा एक स्टोर है जहाँ पर आपको हर चीज़ हाउस होल्ड की हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ लेना चाहें सो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और आप हर कैटेगरी की वहाँ पर आपको चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। सो वो हम विज़िट करेंगे और फिर मैं आपको सारी अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी भी कि हम लोग वहाँ से क्या चीज़ लेकर आए हैं। और रास्ते में अब हम लोग जो हैं आजकल नट्स खा रहे हैं, ठीक है। रोस्टेड एंड सॉल्टेड कैश्यू नट्स बड़े मज़े के थे, ये मैंने और उमर ने इंजॉय किए, थोड़े से ही खाए थे हमने बिकॉज़ ब्रेकफास्ट किया हुआ था। अच्छा, ये हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग घर चले गए थे, उसके बाद हम लोग दोबारा आए थे तकरीबन 3-4 घंटे के बाद, ठीक है। सो अब ये हम लोग पहुँच चुके हैं आइकिया। सबसे पहले हम लोग पार्क करते हैं गाड़ी और इसके बाद फिर स्टोर में। मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि दोनों बच्चों ने हमें इतना तंग किया था ना कि आपकी सोच है। सो इस वजह से मैंने स्टोर में बस थोड़े बहुत ही क्लिप्स लिए थे और बाकी जो है ना चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगी मैंने कौन सी चीज़ें ली हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको थोड़ी सेल्फ स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, ठीक है। आपको चीज़ें खुद से जाकर अपनी वहाँ से लेनी पड़ती हैं जो इनका वेयर हाउस टाइप बना हुआ है। सो यहाँ से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने प्लेट्स ली हैं, ये हैं बड़ी वाली जो प्लेट्स होती हैं ना राइस वाली, वो हैं। और ये साथ दूसरी मैंने प्लेट्स ली हैं, तो यहाँ पर 4-4 का सेट मिलता है, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में हमें 6 का सेट मिलता है, यहाँ पर 4 का सेट होता है क्योंकि वहाँ पर जो हमारी हैप्पी फैमिली है वो 6 पर्सन की होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है। 4 फैमिलीज कॉन्सेप्ट है, 4 पर्सन्स। सो यहाँ पर 4 पर्सन्स के हिसाब से मैंने अभी ये सिर्फ 2 ली हैं, बाकी इसका मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा अपना सेट कंप्लीट करूँगी। बाकी बोल्स और काफ़ी सारी चीज़ें भी वो हम लोग नेक्स्ट जब दोबारा जाएंगे तो तब ले आएंगे, ठीक है। सो ये मैंने लिया, इनका कलर बहुत ही प्यारा, बड़ा डिफरेंट सा कलर था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सो आई बॉट दिस। इसके साथ मैंने लिए हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले जो क्या कहते हैं इनको, मैट्स लिए हैं, ठीक है। इसके साथ हैंगर्स लिए हैं जिनकी मुझे बहुत अशद ज़रूरत थी और ये मैंने 2 लिए हैं, इसके अंदर आई थिंक 10 हैं। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड ने एक टूल किट लिया, और ये क्यों लिए है इसके लिए एक बड़ी स्पेशल रीज़न है। हम लोग ने एक चीज़ वहाँ से जो बाई की है उसको असेंबल करना है और तो इसलिए लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये आई डोंट नो ये किसका था, पे भी हमने कर दिया है इसका और यह अभी हमारे सामान में गया है। ये भी मैट्स हैं सिलिकॉन टाइप के। उसके बाद से ये मैंने स्पैचुलास लिए हैं जो कि मुझे अब बहुत चाहिए थे, और ये आइकिया से हम लोगों ने एक स्पेशल चीज़ ली है, मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। ये एक्सटेंशंस ली हैं। उसके बाद टॉवल्स लिए थे हम लोगों ने, ये अरहम ने अपने लिए चॉइस किया था टॉवल ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स में, और एक टॉवल मैंने दुआ के लिए लिया है, प्लेन वाइट है, ठीक है। और इसके बाद टॉवल्स के बाद मैंने और क्या लिया था, अच्छा हाँ, मैंने अरहम ने अपने लिए टॉयज़ लिए थे, वो जो आप वेल देख रहे थे शार्क, वो ली थी। ये प्लांट्स लिए थे मैंने, बड़े क्यूटू से लग रहे थे, इसको आप अपने वॉशरूम में, किचन में या कहीं भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। और मैं ये भी कहाँ रखूँगी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और अब हम लोग ये ओपन करते हैं और इसको असेंबल करना है। ये हमें इस तरह से मिलता है, इसको खुद ही आपको सारा असेंबल करना पड़ता है। तो अभी हमने निकाल लिया है, इसको सारा रेडी करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, आई थिंक 1/2 आवर तो लग जाएगा। तब तक मैं अपनी किचन की बाकी चीज़ें सॉर्ट आउट करती हूँ और फिर आपको जो है ये दिखाती रहूँगी मैं आपको साथ साथ, जैसे जैसे ये थोड़ा बहुत बनता रहेगा।
ठीक है। और बड़ी कमाल चीज़ मिली है ये, मैं जैसे ही एंटर हुई थी, मतलब घर से आप थोड़ी प्लानिंग करके जाते हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू बाय। सो मेरा यही प्लान था कि मैं ये शू रैक ज़रूर लूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि मोस्टली आपका जो फुल हाउस होता है ना वो कारपेटेड होता है, और वहाँ पर आप शूज़ मोस्टली लोग नहीं पहनते थ्रू आउट, ठीक है। सो इसके लिए जब आप मेन पे उतारते हैं शूज़ तो वो बड़ा एक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जगह कम होती है, तो इट्स बेटर कि आप एक शू रैक ले लें जो कि आप फ्रंट पे ही रख दें। अच्छा, एक होता है जो जो सी थ्रू होता है जिसमें शूज़ नज़र आ रहे होते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो आई वॉज़ लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ शू रैक जिसमें कि आपके शूज़ नज़र ना आए, और आप वो आपका एक टेबल टाइप जो है वो डेकोर आइटम भी लगे और आपके शूज़ भी उसमें हाइड हो जाएँ, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये बहुत ही प्यारा लगा, बड़ा स्मार्ट सा इसकी लुक है और बहुत प्यारा है। इसमें आपके काफ़ी सारे शूज़ आ सकते हैं, 4 कंपार्टमेंट्स इसके टोटल हैं, और आप इसमें जितने चाहें, मतलब जिस हिसाब से एडजस्ट कर सकें तो आपके शूज़ आ जाएंगे। और बेसिक तो आपने इसमें अपने रेगुलर यूज़ के शूज़ रखने होते हैं जो कि आप डेली बेसिस पे पहनते हैं, ठीक है। सो ये हमारा रेडी हो गया शू रैक, बड़ा प्यारा लगा, मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा है ज़रूर मुझे बताइएगा। और इसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सेसराइज करते हैं, इसके ऊपर कुछ रखते हैं चीज़ें ताकि थोड़ा सा और इन्हांस हो इसकी ब्यूटी। तो इसके लिए हम लोग लाए थे प्लांट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं ना, उनको हम निकालते हैं और उसको यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये 3 प्लांट्स का सेट था, ठीक है। अब आपकी चॉइस, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर ये मैं 3 प्लांट्स पहले आपको दिखाती हूँ, ये मिनी प्लांट्स हैं, और इसमें से ये जो है ना, और ये मुझे राबिया ने गिफ्ट किया था, ठीक है, इसको भी हम यहीं पर एडजस्ट करते हैं। सो इसमें से इसको लेके चलते हैं हम अपने टेबल की तरफ, और आप लोग मुझे बताएं कि कौन से प्लांट्स यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं। 3 प्लांट्स तो एक साथ अच्छे नहीं लगेंगे, सो यहाँ पर मैं 2 प्लांट्स रख रही हूँ, ठीक है। एक प्लांट हम लोग अपना कहीं और यूज़ कर सकते हैं, किचन में या कहीं और रख लेंगे, और यहाँ पर ये इस कॉर्नर में मैं रखूँगी, ठीक है। सो अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।